السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सबसे पहले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم और بسم الله الرحمن الرحيم पढ़ लीजिए. हम अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, टोन में पढ़ लेते हैं, लहजे में. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. देखिए, तख्ती नंबर दो, मुरक्कबात. मुरक्कबात किसे कहते हैं? देखिए, मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं. यानी पीछे हमने अलग अलग लेटर पढ़े थे, उन लेटर को अगर आपस में जॉइन कर दिया जाए तो वो मुरक्कब हो जाता है. देखिए, लेसन टू, कॉम्बाइंड लेटर्स, यानी मिले जुले हरूफ. नोट देखिए क्या कह रहे हैं. In this lesson also read the alphabet as given in the table in lesson 1. कि इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनको हमें उसी तरह पढ़ना है जिस तरह लेसन 1 में लिखे हुए हैं. ठीक है, जैसे अलिफ लाम, अगर आपने लेटर्स की शनाख्त कर ली है, लेटर्स को पहचान लिया है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा. ये अलिफ है और ये लाम है. अब ये जो है, ये दो लेटर हैं, हमें इनको अलग अलग ही पढ़ना है, एक साथ नहीं पढ़ना है. जैसे इन दोनों को मिला दिया जाए, जॉइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? ला. लेकिन हमें ला नहीं पढ़ना है, इसको अलग अलग पढ़ना है. लाम अलिफ. देखिए, लाम इस टाइप का भी होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ. आपको कल बताया था मैंने कि लाम की कई शक्लें होती हैं. देखिए, आप लाम की तीन शक्लें हैं, तो वहाँ पर जो है ये वाली जो शक्ल है, लास्ट वाली, ये वाली शक्ल आपको नज़र आ रही होगी. ठीक है, तो ला हुआ ये लाम अलिफ, जीम अलिफ, अलग अलग पढ़ना है. जा नहीं पढ़ना है, ला जा इस तरह नहीं पढ़ना है. जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ. ये बा है, ये अलिफ है. आगे आ जाइए. लाम अलिफ, लाम जीम. एक लाम की शेप इस तरह भी होती है, जो ऊपर से आता है. लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा. इसको अलग अलग पढ़ना है. मिलाकर आप पढ़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बल्ब बन जाएगा, बल्ब. तो बल्ब नहीं पढ़ना है, बल्कि बा लाम बा पढ़ना है. ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं. आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए और इनकी मश्क कर लीजिए. हम इसके बाद दुआ याद कर लेते हैं. आपको मैंने दुआ के लिए कहा था कि मैं आपको दुआएँ भी याद कराऊँगा. तो खाना खाने से पहले की दुआ उम्मीद आपकी याद हो गई होगी. बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह. आज हम पढ़ते हैं खाना खाने के बाद की दुआ, दुआ आफ्टर हैविंग ए मील. ठीक है, खाना खाने के बाद की दुआ. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन. रिपीट कर लीजिए. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.